एक लंबे इंतजार के बाद आखिर ये गुत्थी भी सुलझ गई, जो बॉलीवुड में लगातार चल रही इन गॉसिप्स में कहीं धूमिल होती नजर आ रही थी। जब से अब्राम शाहरुख खान की जिंदगी में आए हैं, तभी से ये सवाल सभी के मन में है कि आखिर ये नन्हा सा बच्चा किसका बेटा है। जी हाँ, जिस तरह आप परेशान हैं, ठीक वैसे ही ये बात जानने की हमारे अंदर भी उत्सुकता थी, क्योंकि अब्राम तो शाहरुख खान के साथ पार्टीज में और हर जगह ही नजर आते हैं। यही नहीं, वो उनके साथ क्रिकेट की पिच पे भी नजर आते हैं, क्योंकि शाहरुख खान को भी क्रिकेट बेहद पसंद है। शाहरुख खान बड़े पर्दे के एक बड़े कलाकार हैं। वो किंग खान के नाम से और रोमांस के किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि शाहरुख की पत्नी गौरी खान से अब्राम नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि अब्राम की माँ गौरी नहीं है, अब्राम एक सरोगेट चाइल्ड है। ऐसे में अब अब्राम की माँ का नाम सामने आ गया है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद गौरी खान की भाभी नमिता छिब्बर बताई जा रही हैं। हालांकि इन दावों में कितना दम है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मिली खबरों के अनुसार बताया जाता है कि नमिता ने 4 जून को इस बच्चे को जन्म दिया था और ये प्रीमैच्योर डिलीवरी थी, क्योंकि बच्चे का जन्म 7वें महीने में ही हो गया था। आपको बता दें कि नमिता अब्राम की असली माँ है, वो गौरी खान की भाभी भी है। दरअसल नमिता का प्रीमैच्योर बेबी हुआ था जो कि 7 महीने में ही हो गया था, जिसके बाद नमिता को अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के बाद ही डिस्चार्ज कर दिया गया। जब तक वो अस्पताल में रही, अब्राम की पूरी जिम्मेदारी शाहरुख खान ने ली, जिसके बाद वो अब्राम के इतने क्लोज हो गए कि अब्राम उनके बगैर कहीं जाते ही नहीं थे। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।